Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Nasılsın kardeşim? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Sadece dolmuş gibi düşünün. Dolmuş gibi ama aynen. Ben onu beğenmiyorum. Bence yani, özel var ya o daha iyi oluyor. Aynen. Private daha iyi oluyor. Tabii. Front है, on जो है इसका कह लो. On जो है थोड़ी तुर्किश में बोलते हैं. जो इसका front है ना. Front पे भी ऐसे ही बेड लगाया हुआ है, गद्दा लगाया हुआ है कि front के ऊपर भी आप लेट के जो है ना समुंदर को एंजॉय कर सकते हो. जैसे कैप्टन बनने का मुझे बहुत शौक है, मतलब कश्ती चलाने का ना मुझे बहुत दिल करता है कि मैं कश्ती चलाऊं. ये फिलहाल आप इस कश्ती में ज़रा वाशरूम चेक कर लो. और पर्सनली तौर पे मुझे जो है ना ये वाला रूम अच्छा लगा है, काफ़ी बड़ा है, डबल बेड के साथ है. ये आपका भाई यहाँ पे वीडियो बना रहा है इस तरीके से गर्मी में. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ. बहुत से लोग जो है ना मुझसे पूछते रहते थे कि ये जो कश्तियाँ वगैरह यहाँ पे खड़ी हुई हैं ये रेंट पे भी मिलती हैं. जी हाँ दोस्तों, ये रेंट पे भी मिलती हैं. आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने एक दिन के लिए लेनी है, हफ्ते के लिए लेनी है, महीने के लिए लेनी है, मतलब जो आपका दिल करे आप ले सकते हो. मैं फ़िलहाल आपको एक दिन के हवाले से इसका किराया बता देता हूँ. अगर आपने एक दिन के लिए लेना है लीरा में, अगर आप बात करो इस टाइम तो 8000 तेले है, 8000 लीरा है. और अगर आप डॉलर में बात करो तो कोई $500 के करीब एक दिन के लिए आप इसको रेंट पे ले सकते हो और समुंदर में घूम सकते हो. गोजेक में जो है ना 12 जजीरे हैं, टोटल 12 आइसलैंड हैं यहाँ पे, बड़े खूबसूरत हैं, बड़े ही खूबसूरत जजीरे हैं. उनको आप एक बार ज़रूर विज़िट करना. मैं फ़िलहाल आपको ये बोट टूर करवाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए ये बोट किस तरह की है. जी हाँ दोस्तों, फ़िलहाल आप देख सकते हो मैं जो है ना आपको ये पूरी बोट अंदर से घुमाता हूँ. तो ये बोट है एक छोटी सी, इतनी भी छोटी नहीं है, बहरहाल अच्छी खासी बड़ी है. ये एक टेबल वगैरह, अगर आप खाना वगैरह बनाना चाहो खाना वगैरह बना सकते हो. ये बैठने की सिटिंग एरिया है इसकी. और ये अंदर किचन वगैरह है, ये चूल्हा वगैरह लगा हुआ है किचन में. अगर आपने कुछ भी पकाना हो, जो आपका दिल करे वो भी आप पका सकते हो. ये किचन है नीचे, साथ में देखते हैं फ्रीज़र है कि मशीन है. ये फ़िलहाल फ्रीज़र है तमाम. और ये भी एक जो है ना फ्रीज़र है. फ्रीज़र के साथ यार कैप्टन बनने का मुझे बहुत शौक है, मतलब कश्ती चलाने का ना मुझे बहुत दिल करता है कि मैं कश्ती चलाऊं. फ़िलहाल जो है ना आपको यार अंदर दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या मौजूद है, कितने कमरे हैं वगैरह वगैरह. तो फ़िलहाल ये अंदर का भी आपको जो है ना टूर करवाते हैं. ये आप देख लो और ये ऊपर से भी बाहर से भी देख लो. आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ मैं. तो ये फ़िलहाल आप चेक करो ज़रा कमरे, और बड़े बेहतरीन किस्म के कमरे हैं. साथ में जो है दराज वगैरह अलमारी हैं, ये आप चेक करो ज़रा. कुछ रखना हो यहाँ भी रख सकते हो, नीचे भी एक है. इसके अलावा छोटी छोटी विंडोज़ हैं कि आप बाहर से नज़ारा देख सकते हो समुंदर का. मैं कहता हूँ यहाँ बड़े VIP किस्म का. और ये फ़िलहाल आप चेक कर लो, ये आपका भाई यहाँ पे वीडियो बना रहा है इस तरीके से गर्मी में. तो ये वाला रूम जो है ना पर्सनली तौर पे मुझे जो है ना ये वाला रूम अच्छा लगा है, काफ़ी बड़ा है, डबल बेड के साथ है और खुला डुला है. इधर पे भी ये देख लो विंडोज हैं दो छोटी छोटी. ये वाला जो रूम है ना दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी खुला डुला है. इसके अलावा यहाँ पे भी एक खिड़की वगैरह है और ये TV वगैरह है साथ. ये कुछ जो है ना अलमारियाँ हैं जिसमें आप अपना कुछ सामान वगैरह रख सकते हो जो भी आप लेके आए हो. मतलब सी लाइफ का भी जो है ना यार एक अलग ही मज़ा है सी लाइफ. बस आपने इसको रेंट पे लेना है. और ये शायद वाशरूम है, इसको भी चेक करते हैं. वाशरूम ही ये फ़िलहाल आप इस कश्ती में ज़रा वाशरूम चेक कर लो. और इससे ना इससे एक चीज़ मुझे याद आई, बहुत से लोग जो है ना भाई मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं कैमरा कौन सा यूज़ करता हूँ. तो ये आप देख लो, iPhone 11 यूज़ करता हूँ मैं. उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा कि iPhone 11 मैं यूज़ करता हूँ. ओके हो गया. तो इसके अलावा एक रूम, एक वाशरूम जो है यहाँ पर भी मौजूद है. मैंने कहा आपको सारे दिखा दिए जाएं. मैंने कहा यार वाशरूम जो है ना आपको सारे दिखा दिए जाएं, चाहे किसी को भी जो है ना किसी किस्म का गिला शिकवा ना रहे. बोर्ड जो है ना बड़ी VIP किस्म की है यार. एक पोर्शन जो है ना इसका ऊपर है, तो ऊपर वाला भी दिखाते हैं आपको. ये फ़िलहाल जो है ना मैं ऊपर जा रहा हूँ. ऊपर का सिटिंग एरिया भी आप देख सकते हो बड़ा VIP किस्म का है. साथ में यहाँ पे भी चेयर लगी हुई हैं. ऊपर भी जो है इन्होंने चलाने के लिए एक हैंडल लगाया हुआ है. अगर ऊपर से भी कश्ती कंट्रोल करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो. इसके अलावा यहाँ पे भी एक टेबल लगाया हुआ है, साथ में सोफ़ा वगैरह कुछ. पीछे भी जो है ना बेड की तरह पूरा गद्दा लगाया हुआ है कि अगर आप लेट के सफ़र को इन्जॉय करना चाहो तो आप लेट के भी इन्जॉय कर सकते हो. इसके अलावा
ये जो इसका फ्रंट है ना, ये जो फ्रंट है ओन जो है इसका कह लो, ओन जो है ना चोरी तुर्की में बोलते हैं, जो इसका फ्रंट है ना, फ्रंट पे भी ऐसे बेड लगाया हुआ है, गद्दा लगाया हुआ है कि फ्रंट के ऊपर भी आप लेट के जो है ना समुंदर को एंजॉय कर सकते हो। जैसे कि ये वाला, ये फिलहाल आप देख रहे हो, और ये सारा है गोजेक, ये सारा है गोजेक। गोजेक में जो है टोटल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, गोजेक में जो है ना टोटल 12 जजीरे, और 12 जजीरों का आप इन कश्तियों पर अगर घूमो फिरोगे ना, ख़ास प्राइवेट टूर लेके घूमोगे, ऐसे अपनी कश्ती रेंट आउट करके घूमोगे, तो आप अपने टूर को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। मैं कहता हूँ इतना एंजॉय करो कि आप सोच नहीं सकते। तो थोड़ी सी इधर के बंदे से, जो इधर का ओनर है, पात्रून है, मालिक है, जो भी है, उससे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। नासिसिन कार्डिश। İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ ol. Ben de iyiyim. İsminiz ne? Baki. Berkat. Memnun oldum Berkat Bey. Sağ olun, teşekkürler. Ben de Berkat Bey, bana takipler var ya, yazıcılar günlük tur kaç para bot yani? Şöyle söyleyeyim, günübirlik çıkmak isterlerse, evet, 5000 liradan başlıyor. 5000 lira kiralamak için. Eğer yatılı, gece konaklamalı bir tur düzenlemek istiyorlarsa 8000 liraya tura çıkarıyoruz. 8000, tamam. Sadece tekneyi kiralama fiyatı 8000 lira. Tamam. Ama yemek, yeme içme, diğer kumanya malzemeleri misafirlerimize ait oluyor. Tamam. Biz sadece burada pişiriyoruz, servis etmesini servis yapıyoruz. Servis yapıyoruz, hizmetleri hizmet yapıyoruz. İki tane çalışanla. Eğer bir kişi, bazen insanın takipleri diyor ki biz bir hafta içinde almak istiyoruz, indirim falan, öyle bir şey var mı şans? Tabii, şöyle söyleyeyim. Bir hafta kiralama durumu olursa ona göre müşterinin fiyat bir haftalık veriyorum. Fiyat veririz. Ona göre farklı fiyat tamam. veririz. En ucuz hangisi yani oluyor sizin turlar? Günübirlik turlar oluyor, evet. En ucuz, en uygun. Yani günlük çıkan tekneler oluyor. Sabah 10.30'da hareket ediyor, akşam 6 gibi tekneye geliyor. Günlük turlara gitmek lazım. Yani özel olmuyor o zaman. Özel yani. Olmuyor, o sadece dolmuş gibi düşünün. Dolmuş gibi ama aynen. Ben onu beğenmiyorum. Bence evet, özel var ya, o daha iyi oluyor. Aynen, private daha iyi oluyor tabii, tabii ki de. Tabii. Private çıkıyorsunuz ailenizle birlikte, özel. Evet, evet. Çok sağ ol kardeşim. Rica ederim, ben teşekkür ederim.